हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ के इस वीडियो में मैं 12 और 13 फरवरी के MCQ लेकर आऊंगा। ये सिर्फ UPSC एग्जाम के लिए हैं, जो 3 जून 2018 को UPSC प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपकी काफी हेल्प करेंगे ये MCQ। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं, मेरा नाम है गौरव। StudyIQ के पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं UPSC के लिए। अभी हमने साइकोलॉजी ऑप्शनल भी लॉन्च कर दिया है और मध्य प्रदेश PSC भी लॉन्च कर दिया है। हिमाचल प्रदेश PSC लॉन्च करेंगे अगले 15 दिन के अंदर। आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो studyiq.com पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है gaurav888। इस वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैं झांसी गया था उत्तर प्रदेश 3 दिन के लिए किसी काम से। तो शुरू करता हूं, एक इजी क्वेश्चन से शुरू करता हूं। पहले एक तथ्यात्मक सवाल जिसे कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी तेलुगु को कंपलसरी कर दिया है, तेलुगु भाषा को क्लासेस 1 से 12 तक? तो आप जानते हैं तेलुगु सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, तो इसका आंसर या तो ए होगा या बी होगा। तेलंगाना के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि तेलंगाना ने उर्दू को अभी अभी अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा है तेलुगु के बाद, यानी तेलुगु है फर्स्ट ऑफिशियल, उर्दू है सेकंड ऑफिशियल। तो ये जो राज्य है जिसने तेलुगु को कंपलसरी करा है ये है तेलंगाना, तेलंगाना ने कंपलसरी कर दिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, कर्नाटका ने भी कन्नड़ को कंपलसरी किया है और पश्चिम बंगाल ने बंगाली को कंपलसरी किया है अभी अभी, तो ये भी न्यूज आई है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल कहूंगा मैं इसे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसमें यह बताया गया है कि जो शिकारी हैं वो किस तरह से राइनो का, यानी जो गैंडे होते हैं उनका शिकार करते हैं और फिर उनके सिंग लेके भाग जाते हैं। ये काफी ज्यादा चल रहा है असम के अंदर, क्योंकि असम जो है आप जानते हैं कि वहां पे एक सिंग के गैंडे बहुत मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है जैसे। तो ये आर्टिकल उसी में था, काजीरंगा में एक राइनो को मार गिराया और उसका सिंग लेके शिकारी भाग गए। सो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि एक सैंड बार या शोआल, हम उस जमीन के टुकड़े को बोलते हैं जो थोड़ा या पूर्ण रूप से पानी के अंदर होता है, ये ठीक है, उसको बोलते हैं शोआल या सैंड बार। तीस्ता नदी जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। असम जो है ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है आप जानते हैं, और तीस्ता नदी उसकी एक सहायक नदी है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदी। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फर्क होता है? तो एक नदी है, अगर कोई नदी उसमें पानी लेके आती है तो वो ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी हो गई, पानी जोड़ती है। और अगर कोई नदी मेन नदी में से पानी बाहर निकाल के ले जाए तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से, तो ये सिक्किम और बंगाल को पानी देती है, उसके बाद ये बांग्लादेश जाती है। तीस्ता नदी से हमारा बांग्लादेश के साथ जो विवाद है वो है, बांग्लादेश ये कहता है कि आप हमें दिसंबर से लेकर मई तक, इन 6 महीने में लगभग हमें 50% पानी दे दो तीस्ता का, क्योंकि इस वक्त हमें पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। और भारत कहता है कि हमारी अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही, आपको तो बाद में देंगे। तो तीस्ता नदी विवाद काफी टाइम से चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, भी गलत है। जो भारतीय गैंडे हैं इंडियन राइनोसेरोस, ये एंडेंजर्ड लिस्ट है IUCN की रेड लिस्ट में। IUCN बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये इन्होंने इनको एंडेंजर्ड घोषित करा है, यानी विलुप्त प्राय, नहीं ये गलत है। बहुत पहले एंडेंजर्ड थे लेकिन फिर इनका नंबर बढ़ गया था, तो ये एंडेंजर्ड से वल्नरेबल हो गए थे, वल्नरेबल कैटेगरी में है, एंडेंजर्ड में नहीं है। और वन हॉर्न राइनो जो है ये स्टेट एनिमल है असम का, ये ठीक है, असम का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु जो है वो है वन हॉर्न राइनो। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए और डी? तो आंसर है इसका सेकेंड। जो राजकीय पशु है आपको याद होने चाहिए, जैसे हरियाणा पंजाब और आंध्र प्रदेश का जो एनिमल है स्टेट एनिमल वो सेम है, ब्लैक बक। इसी तरह से केरला कर्नाटका और झारखंड तीनों का है एलिफेंट। तो जो मेन है वो आप याद रख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र का है जायंट स्क्वायरल, कश्मीर का है हंगुल इत्यादि। इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो ये अभी अभी 3 नई प्रजातियां स्पीशीज मिली है ईल मछली की, ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे मिली है, बंगाल की खाड़ी में, ये बिल्कुल ठीक है। जो ईल होती हैं ये अगर मान लीजिए कोई समुद्र है या नदी है तो उसकी सतह पर पाई जाती है मेनली ईल, ये बिल्कुल गलत है। ये सतह पर नहीं मिलती, ये बिल्कुल नीचे मिलती हैं, ये ऊपरी सतह पर नहीं मिलती, ये बिल्कुल पानी की सतह के नीचे जमीनी सतह पर मिलती है, यानी बॉटम पे मिलती है, एकदम सरफेस पे नहीं मिलती। तो ये जो है ये गलत है। नो स्पीशीज ऑफ ईल इज एडिबल, ईल की कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसे हम खा सकते हैं, ईल मछली खाने योग्य नहीं होती, नहीं ये भी गलत है। इनफैक्ट एक मछली अभी अभी खोजी गई है वो खाने लायक है। और वेल और डॉल्फिन ये फिशेज होती हैं, नहीं ये फिशेज नहीं होती हैं, ना वेल मछली फिश होती है ना डॉल्फिन, दोनों मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं मैमल्स, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं और ये अंडे वगैरह नहीं देते, डायरेक्ट यंग वंस होते हैं, तो मैमल होते हैं, जैसे हम भी मैमल्स हैं। स्तन जो पशु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें मैमल बोलते हैं। और इनकी एक विशेषता और होती है कि इनकी बॉडी पे बाल होते हैं, यानी हेयर,
ये किसी और जानवर की क्लास में नहीं होते बाल, तो डॉल्फिन के भी बाल होते हैं थोड़े बहुत। तो इसका आंसर सिर्फ ए ठीक है, तो आंसर इसका हो गया फोर्थ। और जो ये तीन प्रजाति मिली है अभी, ये आपको पता होना चाहिए, कौन से साइंटिस्ट ने खोजी? साइंटिस्ट का नाम है अनिल मोहपात्रा, ये बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने खोजी है। और एक ईल मछली ऐसी भी है जिसे हम खा भी सकते हैं। तो जो तीन अभी अभी खोजी है वो है जिम्नोथोरैक्स सूडोटाइल, जिम्नोथोरैक्स विशाखिएंसिस और एनसाइक्लोकोर प्रोपिनकुआ। ये विशाखापट्टनम के आसपास मिली है दो, और एक दीघा जो तट है उसके आसपास मिली है, दोनों बंगाल की खाड़ी में मिली है। अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए, एक प्रॉब्लम ये होती है भारत के अंदर कि जो कीड़े होते हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। कई कारण है, जैसे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में कीड़े चले जाते हैं, या बच्चे जो होते हैं वो उतना हाथ वगैरह नहीं धोते, बच्चे उतने अनहाइजेनिक रहते हैं, उतना साफ सफाई में नहीं रहते, गरीबी बहुत है, खुले में शौच जाते हैं लोग, तो बहुत सारे कारणों से हमारी बॉडी में जो कीड़े हैं वॉर्म है वो घुस आते हैं, तो हमें उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं डीवॉर्मिंग। तो नेशनल डीवॉर्मिंग डे ये मनाया जाता है, जिससे हमारी जो आंत है, छोटी और बड़ी आंत, हमारी एक बॉडी में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुलम और इलियम, और दूसरी होती है बड़ी आंत जिसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसके तीन पार्ट होते हैं सीकम, कोलोन और रेक्टम। और हमारे अंदर जो सीकम है वो उतना डेवलप नहीं होता, तो ये एक रूडिमेंट्री ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स, तो ये प्रॉब्लम करता है काफी अपेंडिक्स, ये फट भी सकता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। क्यों काम नहीं है? क्योंकि सीकम जो होता है ये सेलुलोज डाइजेशन करता है, सेलुलोज प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और हम सेलुलोज खा नहीं सकते, तो सीकम का कोई काम ही नहीं हमारी बॉडी में, इसलिए अपेंडिक्स के रूप में होता है। इसलिए आप देखेंगे जो गाय भैंस वगैरह होती हैं, या जो सेलुलोज खाते हैं, जो पौधे उनकी पत्तियां वगैरह खाते हैं, उनकी जो आंत होती है वो काफी लंबी होती है, यानी उनकी सीकम काफी लंबा होता है। खैर, नेशनल डीवॉर्मिंग डे जो है ये 1 से 19 साल के बच्चों की बॉडी में कीड़ों द्वारा फैलाई गई इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मनाया जाता है हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को, यानी साल में दो बार। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 10 अगस्त और 10 फरवरी को होता है नेशनल डीवॉर्मिंग डे। और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये भारत के दो ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत ज्यादा सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथस है, यानी मिट्टी से जो कीड़े शरीर में चले जाते हैं इन राज्यों में बहुत ज्यादा होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये दो राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे कम होते हैं, यानी लो, ये इस मामले में काफी अच्छे हैं राज्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत जो है उसमें जो वॉर्म इन्फेस्टेशन है, यानी कीड़ों का शरीर में जाना, उसका बर्डन बहुत ज्यादा है। 64% भारतीय पॉपुलेशन जो 14 साल से कम है वो रिस्क पर है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथस के, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्थ केयर बेकार है, हमारी सफाई उतनी नहीं होती हमारे यहाँ, और बच्चे मिट्टी में भी बहुत खेलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कीड़े हमारे शरीर में जा सकते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसमें जो बी है ये गलत है, आंसर है ANCR करेक्ट। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से हाई प्रेवलेंस जो राज्य हैं वो ये सारे हैं, इनमें 50% से ज्यादा रिस्क है। मॉडरेट प्रेवलेंस ये है 20 से 50%, और 20% से कम यानी लो प्रेवलेंस वालों में है मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यानी दो ही भारत के राज्य ऐसे हैं जो इस मामले में ठीक है, जहाँ पे कीड़े उतने ज्यादा जिनकी प्रॉब्लम यानी नहीं है, वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। ऑस्ट्रेलिया ने एक $10 मिलियन का, यानी 6.5 करोड़ का, $1 मिलियन होता है तो 65 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड बनाया है। नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बनाया, ये यूके ने बनाया है, यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है, और जो प्रिंस चार्ल्स हैं, प्रिंस चार्ल्स, उन्होंने ये लॉन्च करा। प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम जो हैं, प्रिंस विलियम को हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, नहीं, ये बोलते हैं प्रिंस चार्ल्स को, प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स का युवराज। और प्रिंस विलियम को क्या बोलते हैं फिर? इन्हें बोलते हैं प्रिंस ऑफ, एक्चुअली प्रिंस वर्ड हम यूज नहीं करते, इनके यूज करते हैं ड्यूक, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज। जो प्रिंस विलियम है, प्रिंस चार्ल्स के ही बेटे हैं ये, प्रिंस विलियम, इनको बोलते हैं ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, और इनकी पत्नी कैथरीन मिडलटन, इनको बोलते हैं डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, डचेस मतलब रानी, कैथरीन मिडलटन। और एक है प्रिंस फिलिप, प्रिंस फिलिप, इन्हें हम बोलते हैं ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग है प्रिंस फिलिप, ये जो क्वीन एलिजाबेथ है उनके पति हैं। और एक और है जो प्रिंस ऑफ वेल्स, तो मैंने बता दिया, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की पत्नी कौन है, यानी प्रिंस चार्ल्स की पत्नी कौन है? कैमिला पार्कर। तो कैमिला पार्कर को बोलते हैं डचेस ऑफ कॉर्नवॉल, डचेस ऑफ कॉर्नवॉल, कॉर्नवॉल की रानी। तो ये गलत है, बी गलत है भाई, ए भी गलत है, ये यूके ने बनाया है। ये यूके की बेसिकली पोस्ट होती है, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, जो राजा महाराजाओं के बच्चे होते हैं उनके कई सारे टाइटल होते हैं,
अब ए और बी तो गलत हो गए, सी देखते हैं। साउथ एशिया में ये सब कंट्री आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगर आप इन देशों को ध्यान से देखें तो ये सारे सार्क का हिस्सा है, सार्क। तो ये बिल्कुल ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सारे साउथ एशियन कंट्री हैं, तो सी ठीक है, इसमें आंसर है फोर्थ। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है अगर पूछ लें तो काठमांडू में है जी, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और सार्क का सेक्रेटरी जनरल कौन है, यानी चीफ कौन है इस वक्त, अहमद सियाल है पाकिस्तान के। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। सतकोसिया टाइगर रिजर्व काफी न्यूज में चल रहा है, तो ये केरल के अंदर है, नहीं ये केरल में नहीं है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। और ये न्यूज में क्यों चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो कुछ टाइगर यहां पे भेज रहा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में, इसलिए न्यूज में चल रहा है। मध्य प्रदेश को एक जमाने में टाइगर स्टेट बोलते थे, आज मध्य प्रदेश की बुरी हालत है, बहुत ज्यादा टाइगर मारे जा रहे हैं यहाँ पे, शिकारी मार रहे हैं कुछ टाइगर्स को, कुछ वैसे मर जाते हैं मौसम के कारण, बीमारियों के कारण, अलग अलग कारणों से मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या काफी कम हो रही है। इनफैक्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो डेटा दिया है कि 2017 में भारत में 98 टाइगर मरे, उनमें से मैक्सिमम यानी 26 मरे मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर होते हैं, नहीं उत्तराखंड में नहीं होते, कर्नाटक में होते हैं, कर्नाटक में होते हैं सबसे ज्यादा टाइगर, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड में होते हैं और तीसरे नंबर पे होते हैं मध्य प्रदेश में। द बालिनीज टाइगर, कैस्पियन टाइगर और जावन टाइगर, ये तीन तरह के टाइगर हैं जो लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें बी ठीक है और डी ठीक है, आंसर है थर्ड, बी एंड डी आर करेक्ट। अब आते हैं अगले उसके ऊपर, ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है और यूपीएससी में दोनों तरह के आते हैं, सीधे भी आते हैं डायरेक्ट और वैसे भी आते हैं, जो 1, 2, 3 आर करेक्ट, 1 और 2 आर करेक्ट, तो हर तरह के एक मिक्स होना चाहिए। 11 क्वेश्चन आज मैंने तैयार करे हैं वैसे, तो ये सातवां सवाल है। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 5100 रुपए का फाइन लगाया है अगर वहां पे आप अपनी गाय को डेजर्ट कर देते हो, अबैंडन कर देते हो, अबैंडन मतलब अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते, अगर आपके पास गाय है, दुधारू गाय, मिल्च, मिल्च मतलब दूध देने वाली गाय, अगर आप दूध देने वाली गाय को रोड पे छोड़ देते हो, कहते हो नहीं मेरे को नहीं पालना, उसको डेजर्ट कर देते हो, तो आप पे 5100 रुपए का फाइन लगेगा। ये डिसीजन अभी अभी लिया है हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिन्होंने गाय के लिए पीजी हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। अब जो पीजी हॉस्टल बनेंगे ये कई मंजिलों बड़े होंगे, इनमें अगर आपकी गाय है, कोई रखने की जगह नहीं है, तो इन पीजी हॉस्टल में आप काफी कम दामों में रख सकते हैं, तो पीजी हॉस्टल। और गाय के लिए एम्बुलेंस चलाने वाला पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। अब आते हैं अगले सवाल पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉरेस्ट सर्वे आपको पता ही होगा, मैंने बहुत डिटेल में कवर करा, अलग वीडियो भी बनाया। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें फॉरेस्ट कवर बढ़ा है सिवाय मणिपुर और असम के, बिल्कुल गलत है, बढ़ा नहीं है, घटा है, सिर्फ मणिपुर और असम में बढ़ा है, बाकी 5 जो है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल है, सब में घटा ही है, बढ़ा नहीं है। और ये काफी वरी है, घटा क्यों है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण, झूम कल्टीवेशन, उसमें लोग पेड़ों को जला देते हैं फिर जमीन साफ करने के लिए, और जमीन जब तैयार हो जाती है फिर उस पर खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह जाके फिर पेड़ों को जला देते हैं, इसको बोलते हैं घूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत का स्थान 8वां है दुनिया में, भारत के पास 24.4% जो जमीन है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर है, ये भी गलत है, 8वां नहीं है हमारा, 10वां स्थान। हाँ, जो गेन करने में हमारा 8वां स्थान है, यदि पूछें कि भाई उन देशों में हमारा क्या स्थान है जो फॉरेस्ट को गेन कर रहे हैं, तो हमारा 1% इंक्रीज हुआ है इस बार, तो हम गेन करने में 8वां है, लेकिन ओवरऑल हमारा 8वां नहीं है, तो बी भी गलत है। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो उनको बोलते हैं जहां पे जो कैनोपी है वो 70% से ज्यादा होती है, ये बिल्कुल ठीक है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ये बड़े हैं, और वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बड़े हैं कर्नाटक में, याद रखिए। और एक और बात, वेरी डेंस फॉरेस्ट भी बड़े हैं और जो कम हुए हैं वो मीडियम डेंस फॉरेस्ट हैं, जो कम हुए हैं, जो 40 से 70% जिनकी कैनोपी होती है वो कम हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इनमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। और अगर पूछें सबसे ज्यादा पेड़ कम किस में हुए हैं, फॉरेस्ट कवर डिटेरियोरेट किस में हुए हैं, तो आंसर है मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज्यादा जंगलों का नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा जंगलों में वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पर कर्नाटक में, तीसरे नंबर पर केरल में, लेकिन वेरी डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी एंड डी आर करेक्ट, आंसर है इसका थर्ड। अब आते हैं अगली चीज पे, ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA जो है, इसने जो स्टेंट होते हैं हार्ट में डालते हैं उनके प्राइसेस फिक्स कर दिए हैं। तो एक ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, ये एक पॉलीमर कोटिंग होती है, एक कोरोनरी स्टेंट जो हम आर्टरीज में डालते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें ये बिल्कुल गलत नहीं है। और हमारी जो पेरिफेरल या कोरोनरी आर्टरी है उनमें हम स्टेंट डालते हैं, उन आर्टरीज में डालते हैं जो पिचक जाती हैं, जैसे खून का प्रवाह वापस ठीक हो सके उनमें स्टेंट डाला जाता है, या फिर बाईपास सर्जरी होती है। बाईपास सर्जरी क्या होती है, ये आपकी एक खून की नली है, इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो गया,
तो ये तो क्या होगा, खून बहेगा नहीं, तो खून नहीं बहेगा तो आपको सांस आएगा, सांस नहीं आएगा फिर तकलीफ होगी, आपको हार्ट में पेन होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले एरिया को बाईपास कर जाते हैं ऐसे ऐसे, जिससे खून ऐसे यहां से आ जाए, तो इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। एक चीरा यहां लगाओ, एक चीरा यहां लगाओ, यहां पे ये प्रवाह बनाओ, बाईपास कर दो इस एरिया को। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के प्राइसेस कंट्रोल करती है भारत में, ये बिल्कुल ठीक है। और BMS यानी बेयर मेटल स्टेंट के प्राइस बढ़ा दिए 30%, नहीं बढ़ाए नहीं है, घटाए हैं 30%, तो इसका आंसर सी गलत है, ए और बी ठीक है, आंसर है थर्ड। एक बात और बताता हूं आपको, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है, ये इसके अधीन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। और इसीलिए जन औषधि स्टोर कौन चलाता है अगर पूछे तो आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। जन औषधि स्टोर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं चलाता, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो स्टोर चलाता है उनको बोलते हैं अमृत स्टोर, और अमृत स्टोर और जन औषधि दोनों पे सस्ती दवाइयां मिलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो गल्फ ऑफ एडन है ये लोकेटेड है अरब सागर में, यमन जिबूटी के बीच में और सोमालिया इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब इनके बीच में है गल्फ ऑफ एडन, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है, जो एराइट्रिया है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब होता है जो चारों तरफ से समुद्र से नहीं घिरा, सिर्फ जमीन ही जमीन है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान किसी भी समुद्र के पास नहीं है तो वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो एराइट्रिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये गलत है, एराइट्रिया नहीं है, इथोपिया है, अभी मैप दिखाऊंगा आपको। और भारत अपना ओवरसीज मिलिट्री बेस बना रहा है ओमान में, ये बिल्कुल ठीक है, इस पोर्ट का नाम है डुकम, डुकम पोर्ट में भारत अपनी मिलिट्री भेजेगा ओमान में, इंडियन ओशियन पे अपना पकड़ और मजबूत करने के लिए। और अजम्पशन आइलैंड सेशल आइलैंड का हिस्सा है, वहां पे भी भारत अपनी मिलिट्री लगाएगा, तो इसका आंसर है ए और सी आर करेक्ट, यानी सेकंड। ये मैप है, यहां पे देख लो इथोपिया जो है ये इथोपिया की बाउंड्री है, तो ये समुद्र से नहीं लगती है, ये इंडियन ओशियन है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी है, किसी से नहीं लगती है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का सींग निकला हुआ है, इसे बोलते हैं, इसमें चार कंट्री है, एराइट्रिया, जिबूटी, जिबूटी में चाइना ने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया है इसको कंट्रोल करने के लिए, इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए। और उसके अलावा सोमालिया है, ये पायरेट्स का कंट्री है सोमालिया, तो ये भी समुद्र से लगता है एकदम, तो इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, ये याद रखिए, इस मैप में थोड़ा और क्लियर है, ये देखिए समुद्र से कहीं नहीं लगता। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, INS चक्र ये भारतीय नेवी का एकमात्र न्यूक्लियर पावर अकुला क्लास सबमरीन है, एकमात्र, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एकमात्र न्यूक्लियर पावर अकुला क्लास सबमरीन है, ये भारत को किराए पे दिया था रशिया ने 10 साल के लिए, ये रशिया ने बनाया है इसमें कोई शक नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। INS अरिहंत ये रशिया का बनाया हुआ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये बिल्कुल गलत है, रशिया का नहीं बनाया, ये भारत का खुद का बनाया हुआ, यानी मेड इन इंडिया, इंडिजिनस है ये INS अरिहंत। और इसराइल ने INS चक्र को रिपेयर करने के लिए $20 मिलियन मांगे हैं भारत से, 125 करोड़ रुपए मांगे हैं, ये गलत है, जब इसराइल से खरीदा ही नहीं तो इसराइल को रिपेयर के लिए क्यों देंगे, तो रशिया ने मांगे हैं भारत से $20 मिलियन रिपेयर के लिए, तो सी और डी गलत है, ए और बी ठीक है, आंसर है फर्स्ट। एक बात आपको बता देता हूं यहां पे, ये न्यूज में क्यों है दोनों, INS चक्र और INS अरिहंत, देखिए INS चक्र जो है ये हमारा खराब हो गया है, इसमें हमारा ह्यूमन एरर्स की वजह से खराब हो गया है, और INS अरिहंत जो है ये पिछले साल विशाखापट्टनम जा रहा था, वहां पे कुछ तोड़फोड़ हो गई इसके अंदर, ये भी भारत ने खराब कर दिया है, तो ये दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत हमारे लिए एक एम्बेरसमेंट की बात है, तो इसलिए न्यूज़ में आ रहा है कि भाई हम इनको ठीक करा रहे हैं, हम कैसे ठीक कराएं क्या करें, तो ये सब न्यूज़ में आ रहा है, तो याद रखिए। और रशिया से ही हमने हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा है INS विक्रमादित्य, जो मालाबार एक्सरसाइज में भी गया था, भारत के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम है INS विक्रमादित्य। तो ये थे आज के MCQ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप बिल्कुल परवाह मत करिए, 3 जून तक एक एक दिन के MCQ आएंगे, और बिल्कुल इसी क्वालिटी से आएंगे, मैं खुद तैयार करता हूँ इन सारे MCQs को बैठकर, सारे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के, तो कोई आपको क्वालिटी में ड्रॉप नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लेट लतीफ़ जरूर हूँ मैं कई बार, बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे रहती हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन वीडियोज़ जरूर आएंगे 3 जून तक हर रोज़। थैंक यू सो मच।